मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोगों ने मटेरियल को तीन तरह की कैटेगरीज में लास्ट वीडियो में डिवाइड कर लिया था। आज हम लोग डोमेन्स के बेसिस पे भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिवाइड करेंगे। हम लोगों ने बात की थी कि डोमेन्स हमारे पास ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि आपस में जो है अलाइन नहीं होते, यानी कि इस तरह से रैंडम ऑर्डर में होते हैं, लेकिन जिस तरह से इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखें, यहाँ पर आप कोई भी फील्ड अप्लाइड कर दें, तो क्या होता है कि ये डोमेन अपने आप को जो है अरेंज कर लेते हैं, ये इस तरह से ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाते हैं कि सारी की सारी डोमेन्स जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ डोमेन वॉल्स के ज़रिए सेपरेट हुई होती हैं, तो ये डोमेन्स जो हैं वो इस तरीके से अलाइन हो जाती हैं इस फील्ड के अप्लाई करने से। इस जब तक आपने ये फील्ड अप्लाई ना की हो तब तक जो है डोमेन्स आपके पास अलाइन फॉर्म में नहीं आती। जैसे ही आप फील्ड अप्लाई कर दें तो डोमेन्स जो हैं वो अलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, ये अपने आप को जो आप कह लें कि वो ऑर्डर्ड फॉर्म में ले आती हैं। अब क्या होता है कि इन डोमेन्स की बेसिस पर आपको मालूम है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर डोमेन मैक्सिमम होती हैं। डोमेन्स के मैक्सिमम होने की वजह से, और ये एग्जिस्ट ही पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर करती हैं, इनकी एग्जिस्टेंस जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर होने की वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को भी हम लोग जो है दो कैटेगरीज के अंदर ले आते हैं। हम कहते हैं कि डोमेन्स या जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को हम लोग डोमेन्स की बेसिस पे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करती हैं। एक जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि ये मटेरियल क्या होता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर डोमेन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। डोमेन्स तो जाहिर सी बात है एग्जिस्ट करेंगी, चूँकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और डोमेन्स तो होती ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हैं। अगर मैं ये डोमेन्स की बात कर रही हूँ तो इस तरह से इसके अंदर डोमेन्स हैं, ये हम बना लें कुछ डोमेन्स इस तरीके से, इसके अंदर डोमेन्स हैं। ये जो डोमेन्स हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो डोमेन्स है, जब आप कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं तो उस फील्ड के अप्लाई होने से ये डोमेन्स अपने आप को अरेंज फॉर्म में इजीली ले आते हैं, यानी कि हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करनी पड़ती, बल्कि जो भी फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसी के ज़रिए से ये इजीली अपने आप को अलाइन फॉर्म में ले आती है। बल्कि ये मुझे यहाँ पर बनानी चाहिए, मैं हमेशा इसे यहाँ पर बना देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो फील्ड ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो एक्सटर्नल फोर्स या फील्ड हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो तो इस केस में अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में है, और ये हमारे पास जब हमने एक्सटर्नल जो है फील्ड अप्लाई कर दी है, कोई भी फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई कर दी है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल किसी भी तरह की कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है तो इसके ज़रिए से ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी के अंदर है कि इजीली आप इसको अलाइन कर सकते हैं। इजीली जब आप इसको हटाते हैं, इस वायर को आप हटा लें, सर्कल को हटा लें, जो आपने एक्सटर्नल इसके ऊपर फील्ड अप्लाइड की हुई थी उसे अगर आप रिमूव कर लें तो इजीली डोमेन जो है अब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती है। और ये तो हमारे पास कितना अच्छा एडवांटेज हो गया ना कि हम जिस भी मटेरियल को चाहें जब मर्जी किसी भी मटेरियल को इजीली अलाइन भी कर सकते हैं, उसकी डोमेन को और इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। ये इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि आप इसको ज़रूरत के तहत किसी भी वक्त जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि इसकी डोमेन्स वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, हमें कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करनी, तो वो ईजीली अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर चली जाती है। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना कि उसको अलाइन करना है या उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर ले जाना है जहाँ पर वो डिसऑर्डर है और अलाइन नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं कि ये डीमैग्नेटाइजेशन फॉर्म है। और जब यहाँ पर आके अलाइन हो जाए तो ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन फॉर्म आ जाती है, इसे हम लोग कह देते हैं ये मैग्नेटाइजेशन फॉर्म है, और ये हमारे पास जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन फॉर्म है इसकी। मतलब कि जब हमारे डोमेन्स अलाइन हों तो वो वाली सिचुएशन हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की जो है मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाता है, उसकी फॉर्म के अंदर आ जाता है, उसकी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और जब वो रैंडमली जो है अरेंज होती है ना, उसके अंदर कोई अलाइनमेंट होती है ना ऑर्डर, तो हम उस वक्त उसे कहते हैं कि ये डीमैग्नेटाइजेशन है, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी पाई ही नहीं जा रही। तो इस तरह से हम लोग ऐसा मटेरियल जिसे ईजिली मैग्नेटाइज भी कर सकें और ईजिली डीमैग्नेटाइज भी कर सकें, उसे हम लोग कहते हैं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो है हम बेसिकली आयरन को लेते हैं।
आयरन को क्यों लेते हैं, आयरन को इसकी हिस्टेरेसिस लूप की बेसिस के ऊपर भी लेते हैं। आयरन के अंदर जो डोमेन्स पाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं, जो इन डोमेन्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो जैसे ही कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाती है इजीली अलाइनमेंट में आ जाते हैं। कोई फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ती, कोई स्ट्रॉन्ग हमें उसके अंदर फील्ड नहीं लाना पड़ता, बल्कि नॉर्मल जो हम लोग फील्ड लगा रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड, उसी के जरिए से वो अलाइन हो जाते हैं। जैसे ही आप वो फील्ड हटाते हैं तो क्या होता है कि आयरन की डोमेन ईजिली अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर चल जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाती हैं, यानी कि ज़रूरत के वक्त आप आयरन को मैग्नेटाइज कर सकती हैं और जब ज़रूरत ना हो ईजिली उसको डीमैग्नेटाइज कर सकती हैं। इसके जो है बरक्स आप ऐसा मटीरियल को यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो डोमेन्स है, लेट्स से कि ये आपकी डोमेन्स हैं इस तरीके से, ये हमारी कुछ डोमेन्स आ गई जो कि रैंडमली ऑर्डर में अरेंज हैं। जब इन पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की जा रही है तब ये डोमेन्स इस तरह से हैं। जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो होता है क्या है कि बहुत मुश्किल से हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक हाई जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाकर इसकी कुछ डोमेन्स जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। और ये अलाइन बहुत मुश्किल से होती है, हमें बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करना पड़ता है इसकी डोमेन्स को ऑर्डर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ऐसा मटेरियल जिसकी डोमेन्स को हमें बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइजेशन की स्टेज पे लेके जाना हो और मैग्नेटाइजेशन से दोबारा डीमैग्नेटाइजेशन की स्टेज में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जो कि इजीली ना आ सके, उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास हाई हार्ड मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मटीरियल है, ये हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आ जाता है। इसकी कैटेगरी के अंदर आप स्टील को रख सकते हैं। स्टील जो है ऐसा मटेरियल होता है जिसकी डोमेन्स ना तो इजीली मैग्नेटाइज हो सकती हैं और ना ही इजीली डीमैग्नेटाइजेशन में आ सकती हैं, यानी कि अगर आपको स्टील को कभी किसी चीज़ के अंदर रिक्वायर्ड हो ना यूज़ करना, और आपके पास ऑप्शन भी हो कि आयरन को यूज़ कर सकते हैं या स्टील, तो आप प्रेफर करेंगे कि आप आयरन को ही यूज़ कर लें, क्योंकि इजीली आप जो है उसको मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, जबकि स्टील के जो है स्टील मटेरियल के अंदर ये काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसकी डोमेन ईजिली अलाइन भी नहीं होती, जब हमें ज़रूरत होती है मैग्नेटाइजेशन में भी नहीं जाती। अगर वो किसी तरह मैग्नेटाइज हो ही जाए और दोबारा हमें ओरिजिनल पोजिशन पर जाना हो यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन करनी हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं होती, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ आना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा डोमेन्स की बेसिस पर ही डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि डोमेन्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ डोमेन वॉल्स के जरिए सेपरेट होते हैं, और एक डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रही हूँ, एटम्स होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उनकी रेंज देखी थी कि 10^12 से 10^16 तक आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि एटम्स होते हैं, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से ही मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो जब एक एटम जो है वो इतनी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो सोचें कि एक डोमेन कितनी करती होगी, और एक डोमेन, ये जो डोमेन है किसी सब्सटेंस के अंदर इतनी ज़्यादा, वो कितनी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करती होंगी। तभी हम लोग कहते हैं कि ये जो डोमेन है ये हमारे पास टाइनी मैग्नेट होता है, टाइनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट कर रही है, जिसका अपना भी एक नॉर्थ और साउथ पोल है, क्योंकि हर मैग्नेट का एक नॉर्थ और एक साउथ पोल तो होता ही है। हम लोगों ने अभी स्टील और आयरन के और जो है सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर रखा। इन्हें हम सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर इनके हिस्टेरेसिस लूप के जो है वो उसकी बेस पर भी रखते हैं। जैसा कि अगली वीडियो में हम लोग जो है हिस्टेरेसिस लूप के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टेरेसिस लूप जो है बेसिकली एक BH कर्व होता है, जो कि उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रॉपर्टीज़ और एज के दरमियान कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसकी कुछ शेप जो है वो इस तरीके की होती है, इस तरीके से ये आ रहा होता है, ये हमारे पास इस तरीके का जो है यू लूप बन जाता है। जो स्टील है उसके केस में हमारे पास इस तरह से हिस्टेरेसिस लूप बनता है, और जो हमारे पास आयरन है, आयरन के केस में हमारे पास जो है हिस्टेरेसिस लूप कुछ इस सिचुएशन का बनता है कि ये अगर हमारा हिस्टेरेसिस लूप है इस तरीके से, तो इसे हम थोड़ा सा यूं करके बना लें, यानी कि ये इस तरीके से होता है। मुझे थोड़ा सा इसकी शेप को सही करने दें, थोड़ा सा इस तरह से, इस तरीके से इसका हिस्टेरेसिस लूप होता है। ये हिस्टेरेसिस लूप किस तरह से आता है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकायदा प्रॉपर्टी स्टडी करके एक एक चीज़ को हम लोग ड्रॉ करेंगे, तब हमें इजीली समझ आएगा।
लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाना चाह रही हूँ कि क्यों हमने स्टील को यहाँ पर हार्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में रखा और क्यों आयरन को सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर रखा। एक तो वजह इनकी डोमेन्स है, दूसरी वजह ये होती है कि इनकी डोमेन्स की बेसिस पर ही और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करके हम लोग जो इनका बी एच कर्व ड्रॉ करते हैं, उस बी एच कर्व की बदौलत जो हमारे पास यहाँ पर हिस्टेरेसिस लूप आता है स्टील के केसेस में वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे पास, जबकि यहाँ पर हमारे पास होते ही बहुत कम है, बहुत मिनिमम होते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम होते हैं, जिसकी वजह से इसका एरिया जो है ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी डेसिपेशन भी ज़्यादा हो जाते हैं। एनर्जी डेसिपेशन क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है डोमेन जो है वो बहुत ही मुश्किल से मैग्नेटाइजेशन के अंदर गई हैं और बहुत ही मुश्किल से उन्हें डी मैग्नेटाइजेशन के अंदर लाया जाता है। तो इस प्रोसेस के होते हैं यानी कि मैग्नेटाइजेशन होते हैं या अगर हमें रिक्वायर्ड है कि डी मैग्नेटाइजेशन भी करें तो रिवर्स प्रोसेस में आते जाते हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग स्टील को कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास होता है ट्रांसफार्मर, उसके कोर में कभी भी स्टील को हम लोग प्रेफर नहीं करते यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये बेटर मटेरियल नहीं रहता। इसके मुकाबले में अगर आप लोग आयरन को देखें तो आयरन में क्या होता है कि उसका हिस्टेरेसिस लूप बहुत ही कम होता है, उसका हिस्टेरेसिस हमें कहना चाहिए कि हिस्टेरेसिस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। कम होने की वजह कि डोमेन इजीली अलाइनमेंट में चली जाती है और इजीली जब हम लोग इनकी एक्सटर्नल फील्ड हटाते हैं तो वो इजीली डी अलाइंड हो जाती हैं, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में इजीली आ जाती हैं, ना एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा होता है ना ही उनका जो एरिया है स्टेरेसिस एरिया वो काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से इस मटीरियल को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी भी मटीरियल के अंदर यूज़ करने के लिए। इसके अलावा आप ये भी देखें ना कि हमें जब किसी भी मटीरियल को अलाइन फॉर्म में यानी कि हमें मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है तो उस मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के अंदर जाने के लिए एक्सटर्नल फील्ड लगानी पड़ी। ये फील्ड जो लगाई है बेसिकली मैंने कोई ना कोई करंट सोर्स ही दिया होगा ना इसे, अगर तो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है तो जो करंट सोर्स मैंने यहाँ पर लगाया मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज का अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक तो मैं करंट भी बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, ऊपर से मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, कभी इसको डी मैग्नेटाइज करो कभी इसको मैग्नेटाइज में लेके जाओ तो वहाँ जाकर जो है बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइजेशन के अंदर जाता है और वो भी सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तो होती ही नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटाइजेशन के अंदर ही इतने मुश्किल से जाता है तो सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तो होगी ही नहीं, अगर वो भी जाए तो वो भी बहुत मुश्किल से होती है। अगर अब मुझे इसे दोबारा डी मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में लेके जाना हो, फिर मुझे मज़ीद करंट की रिक्वायरमेंट होगी, मज़ीद वोल्टेज और चाहिए होंगे, तो मेरे पास यहाँ पर करंट भी बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डोमेन्स जो है वो इजीली अलाइनमेंट में आती ही नहीं और इसका हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो इसी वजह से ज़्यादा होता है, इसी वजह से लूप जो है ज़्यादा ब्रॉड बनता है, क्योंकि करंट भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, एनर्जी लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टील है उसे हम लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसलिए रखते हैं कि पहली बात तो इसके लिए जो डोमेन्स है वो बहुत मुश्किल से अलाइन होती है किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होता है इसे डी मैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज करने के लिए, तीसरी बात यह होगी कि इसका जो हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ये शो करता है कि इसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट हुई है, जिसकी वजह से ये हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर चल जाता है और इसे हम लोग ज़्यादा प्रेफरेबली यूज़ भी नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है कि हम हर चीज़ वो यूज़ करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो, उसमें मिनिमम जो है एनर्जी डिसिपेट हो और मैक्सिमम एनर्जी हमें गेन हो। तो इसलिए हम जो है अगर किसी जगह पर हमें परफेक्ट मैग्नेट बनाना हो या ट्रांसफार्मर की कोर बनानी हो तो हम स्टील को तो यूज़ ही नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन बची आयरन, आयरन को सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है डी मैग्नेटाइज हो जाता है। सेकेंड ये कि जब हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो करंट हमें इसको मैग्नेटाइज करने के लिए देना पड़ता है, इसकी डोमेन को अलाइन करने के लिए देना पड़ता है, वो मिनिमम होता है, हमें ज़्यादा उस पर फोर्स या ज़्यादा करंट अप्लाई ही नहीं करना पड़ता। तीसरी बात ये कि जो इसका हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया होता है यानी कि जो हमारे पास एरिया आ रहा है ये वाला, ये बहुत ही कम होता है, जो कि ये शो करता है कि इस एरिया ने बहुत ज़्यादा कम एनर्जी डिसिपेट की है और मैक्सिमम हमें अटेन हुई है,
तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करें ट्रांसफार्मर के कोर में भी और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी और डिफरेंट अप्लाइंसेस के अंदर भी, जहाँ पर हमें मैक्सिमम एनर्जी जो है ऑब्टेन हो और मिनिमम जो है वो हमारी एनर्जी वेस्ट हो, और उस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हमें ज़्यादा वर्क भी ना करना पड़े, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोल्टेज फोर्स ये वो भी अप्लाई ना करना पड़े। तो हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आयरन हुआ, और आयरन को ही हम लोग ज़्यादातर अप्लाइंसेस में इसकी इन्हीं तीन चार प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादातर बेस करती है इसकी डोमेन्स के ऊपर। और डोमेन जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो ये दोनों जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। होप्सो आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स और सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इस वीडियो तक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्टेरेसिस लूप को ज़्यादा क्लियर वे में और ज़्यादा डिटेल वे में पढ़ेंगे।